सो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग प्लेन वीव जो हमने वीव पढ़ी है डिजाइन पढ़ा है फेब्रिक पढ़ा है उसका डिजाइन पढ़ा है तो बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग मेकिंग ऑफ डिजाइन सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक वीवस वन इज प्लेन वीव अनदर इज ट्वेल्व वीव अनदर इज सेटिन वीव देन देर आर मिसलेनियस टाइप ऑफ वीव यानी ये बेसिक वीव है बाकी इसके बाद में और भी वीव्स हैं पर ये बेसिक यही है सबसे ज्यादा बेसिक वीव है प्लेन वीव दिस इज मोस्ट बेसिक एंड दिस इज फर्स्ट बेसिक वीव एंड मोस्ट पॉपुलर वीव इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वीविंग एंड फेब्रिक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट कैसे सी व्हाट इज वीविंग क्या था डेफिनेशन वीविंग की वीविंग इज इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यानी एक बार वार्प ऊपर जाएगा एक बार कम से कम नीचे जाएगा ऐसे ही वेफ्ट की एक बार वेफ्ट कम से कम इधर ऊपर है तो नीचे जाएगा और कम से कम ऊपर इट मींस वार्प एक बार क्रॉस होगा और एक बार खाली ये वार्प वाइज हो गया इंटरलेसमेंट एट लीस्ट वंस डाउन तो दो बार में आ गया वेफ्ट वाइज इफ यू सी तो यहाँ क्रॉस क्रॉस आया अप, अप आया ये सारा अप अप आ जाएगा तो ये भार ऊपर रह जाएगा ये नीचे रह जाएगा तो अब क्या करेंगे क्रॉस आया तो इसके साथ में एक डाउन आएगा ये अप हो गया सॉरी ये वेफ्ट डाउन होगी और, यह हो और वार्प यहाँ पे वार्प अप है यहां पे वार्प डाउन आ गया अब विड्थ वाइज दूसरे में देखो यहाँ डाउन है तो दूसरा अप आ गया क्रॉस तो ये मिनिमम है रिपीट साइज क्या मिनिमम है ये टू कॉल्ड एज प्लेन वीव ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वीव है एट्टी परसेंट जो है ये इस ये यूज में होते हैं देखो ये पेंट है ये प्लेन वीव है ये शर्ट है ये प्लेन वीव है इसके अंदर लाइने हैं ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम लेकिन अगर देखोगे तो ये प्लेन वीव है बेसिकली बस इसमें कलर अलग अलग हैं धागे के वीव प्लेन ही है अलग अलग रंग के धागे लेने की वजह से इसमें चेक का इफेक्ट दिख रहा है इसमें एक ही और ये जो है ये प्लेन वीव है एक ही कलर की है तो प्लेन वीव बन गई तो इसकी क्या क्या खासियत है, है प्लेन वीव की ये फर्स्ट बेसिक वीव है क्वेश्चन आ सकता है विच इज फर्स्ट बेसिक वीव देन इट इज प्लेन वीव इट हैज मिनिमम रिपीट साइज और मिनिमम रिपीट साइज कितना है टू इंटू टू ये हमने ड्रॉ किया था अभी टू दो बार दो वेफ्ट इंटरलेसमेंट के लिए कम से कम एक बार बार अप हो गया एक बार डाउन हो गया इस तरफ चलोगे तो अप है तो इधर डाउन हो गया इधर डाउन है तो इधर अप हो गया इससे छोटा वीविंग का डिजाइन बन ही नहीं सकता सो मिनिमम साइज ऑफ रिपीट ऑफ डिजाइन इज टू इंटू टू मिनिमम साइज ऑफ रिपीट साइज ऑफ प्लेन वीव इज टू इंटू टू दोनों में ही ये आंसर आएगा ये क्वेश्चन आ सकता है एक दो नंबर का देन इसमें क्या है अप डाउन अप डाउन अप डाउन तो देखो कितनी बार जितनी बार भी सपोज करते हैं हर पिक और एंड के साथ में एक बार अप जा रहा है एक बार डाउन ये तो मैक्सिमम नंबर अप डाउन अप डाउन हो रहा है मान लो दस है तो दस बार अप डाउन हुआ बारह है तो बारह बार अप डाउन अपडाउन छो चार छ है तो देखो एक बार अप एक बार डाउन दो तीन चार पांच छे। छे बार। जितना है उतना मैक्सिमम जो है इसका अप डाउन है बाइंडिंग एंड है तो एक दूसरे में पकड़ बन जाती है तो इट इज ऑल्सो स्ट्रांगेस्ट और अप डाउन जाने से यहां देखो गैप बन गया तो ये रफ सरफेस भी बन जाता है रफ सरफेस बनने से इसमें शाइनिंग कम आएगी सबसे कम शाइनिंग होती है इसके अंदर अब दूसरा पॉइंट ये फर्स्ट बेसिक वीव है मिनिमम रिपीट साइज हो गया और इट इज मोस्ट वाइडली यूज फैब्रिक 80 परसेंट कपड़े करीब 70-80 परसेंट कपड़े जो भी हम पहनने के सोफा के यूज करते हैं वो सारे प्लेन वीव के होते हैं इसके बाद में ये कुछ एक एग्जाम्पल है कहा यूज में आता है गिव एंड यूज ऑफ प्लेन व्यूव है कैनवस कैनवस मतलब खींचते हैं तरपाल टाइप ब्लैंकेट ठीक है फिल्टर बेल्टिंग कैम्ब्रिक मसलिन बैंडेज बैंडेज जो क्रे बैंडेज बांधते हैं या वो सफेद पट्टी बांधते हैं सब प्लेन वीव की बनी होती है शर्ट पैंट ट्राउजर सूट सब जो है प्लेन वीव के होते हैं मैक्सिमम ठीक है इनके नाम अलग अलग और भी हैं ये ज्यादा ध्यान नहीं देना ये रहा एंड यूज ये दिखाने का मतलब है कि कैनवस जो होता है तरपाल सा वो बिल्कुल टाइट होता है और बैंडेज है बिल्कुल लूज होती है जो भी पट्टी बांधते हैं तो दोनों तरह के मसलिन बिल्कुल हल्का कपड़ा होता है ये ब्लैंकेट वगैरह डक है ये खूब हैवी कपड़ा होता है तो पतले से लेके हैवी कपड़े तक और खुले कपड़े से लेके बिल्कुल टाइट जो कपड़ा होता है जिसमें से पानी पास नहीं हो सकता वहां तक सब बनाते हैं ये एंड यूज है वॉयल बन जाएगी कैंब्रिक, मसलिन ब्लैंकेट कैनवस साड़ी धोती लुंगी सूटिंग शर्टिंग सूटिंग मतलब सूट बनना ब्लेजर वगैरह शर्टिंग मतलब शर्ट से रिलेटेड है इसका ड्राफ्ट दो हील शाफ्ट पे भी बन जाएगा चार पे भी छह पे भी हम बना के बताएंगे ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या है ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट मीन्स वट इट मीन्स वेन वी से ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण जो ज्वेलरी पहनते हैं ठीक है ज्वेलरी पहनते किस लिए सजावट के लिए तो प्लेन वी में कैसे सजावट की जा सकती है कैसे उसको डिजाइन बनाया जा सकता है तो ये डिजाइन देखो ये चेक का डिजाइन है ये डिजाइन चेक का डिजाइन है।, है ये प्लेन वीव है वीव तो सिंपल है वन वन डाउन लेकिन इसमें क्या किया है यहां अलग कलर का धागा यूज किया है यहां अलग कलर का ऐसे यहां अलग कलर का और यहां अलग कलर का जब वार्प वाइज धागे यूज करोगे तो स्ट्राइक बन जाएगा और वार्प प्लस वेफ्ट वाइज यूज करोगे तो चेक बन जाएगा तो देखो ये चेक बन गया ये ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज आ गया तो यहां ऑरेंज आ गया ऑरेंज प्लस ब्लू का मिक्सचर आ गया यहाँ ब्लू प्लस ब्लू तो इस पट्टी पे ब्लू कलर के धागे ले लिए इस पे ऑरेंज के ले लिए यहां ऑरेंज के ले लिए यहां ब्लू के ले लिए तो ब्लू वर्सेस ब्लू डार्क ब्लू हो गया ये दोनों देखो ऑरेंज प्लस ब्लू आ गया ये आ गया दिस इज कॉल्ड एज ऑर्नामेंटेशन यानी वीव तो वही है वन अप वन डाउन लेकिन प्लेन कपड़े की बजाय इसमें डिजाइन आ गया अब ये और क्या क्या डिजाइन कर सकते हो सबसे पहले और सबसे ईजी है कलर चेंज करना इफ यू चेंज वार्प वाइज

किसी भी तरह का धागा अलग अलग ले लो तो अगर वाइज इफ यू आर टेकिंग बी मेकिंग स्ट्राइप्स ऐसे ले लिया तो स्ट्राइप इफेक्ट आ जाएगा और इसके ऊपर ऐसे ले लिया तो ये चेक बना देगा ये देखो चेक इफेक्ट आने लग गया बड़ा छोटा चेक वी वही है वन वन डाउन क्या क्या ले सकते हैं डिफरेंट कलर ठीक है फैंसी स्लबियान यानी उसके अंदर धागे के अंदर यान मीन्स धागा धागे के अंदर कुछ भी अलग अलग सा डिजाइन हो कोई उसके अंदर स्लब हो स्लब मतलब बाहर निकल रहा और हो और वो ऐसा, वैसा अलग अलग ट्विस्ट का हो एक इस तरफ ट्विस्ट किया हो और एक इस तरफ देखो धागे के अंदर दो तरीके की ट्विस्ट होती है ये धागा है अगर वो ऐसी ट्विस्ट है तो हम इसमें ऊपर जोड़ देंगे और नीचे तो ये एस हो गई और वो ट्विस्ट ऐसे है तो इसमें नीचे और ये तो दो तरह की ट्विस्ट है तो अगर यूं ट्विस्ट अलग अलग लगा दी अब धागा देखो ये पतला है ये मोटा है उंगली तो पहचान में आ जाती है ऐसी धागा भी पतला मोटा ऐसे ही ट्विस्ट तो ट्विस्ट अलग अलग ले ली बीट अप कर रहे हो उसमें गैप दे दिया जल्दी लपेट दिया देर में लपेट दिया टेंशन अलग अलग कर दी तो ये कुछ एक रीजन है बेस्ट इज कलर इफ यू चेंज देन ट्विस्ट यू चेंज देन यू चेंज द थिकनेस और ऑफ ये जो तीन है ये मेन है अगर तो स्ट्रेट रखोगे वार्प रखोगे तो स्ट्राइप इफेक्ट आएगा अगर वार्प प्लस वेफ्ट रखोगे इनको अलग अलग धागे डालोगे तो आपका चेक इफेक्ट आएगा वार्प में अगर हम ले रहे हैं चार हजार धागे वार्प में तो चार हजार के चार हजार धागे अलग अलग ले सकते हैं हम हर धागा अलग लेकिन वेफ्ट के अंदर ऐसे वेफ्ट में वाइज में वो लिमिटेशन है हम तीन या चार तरह के धागे ले सकते हैं अलग अलग चाहे रंग के ले लो चाहे काउंट थिकनेस थिननेस के तो वाट वाइज हैव अ बेनिफिट दैट वी कैन हैव एंडलेस नंबर ऑफ डिजाइन तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्नामेंटेशन मतलब एक सिंपल सा कपड़ा है उसके अंदर इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑफ कलर्स या थिकनेस थिननेस ऑफ डिफरेंट ट्विस्ट ऑफ यार्न यू विल सी डिजाइन इफेक्ट ऑफ डिजाइन देर मैं कभी बाद में दिखाऊं भी का ट्विस्ट वाला है ना ये तुम्हें दिखाएंगे अलग से कपड़ा इसे बोलते हैं सेल्फ का डिजाइन सेल्फ यानी कपड़े का अपना डिजाइन अलग अलग धागे की ट्विस्ट ले लो सेल्फ डिजाइन में आ जाता है ये